नमस्कार, मैं राजू सर, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। यूपी के बलिया के जिलाधिकारी और एसपी ने बिहार के सीवान जिले के सीमावर्ती क्षेत्र का भ्रमण कर घाघरा नदी में नाव से करीब 10 किलोमीटर क्षेत्र में भ्रमण कर जायजा लिया। वहीं नदी के किनारे मड़ई और टेंट लगाकर ड्यूटी कर रहे जवानों के साथ डीएम एसपी ने काफी देर तक बैठकर उनकी हौसला जताई की। नदी में नाव से यात्रा कर रहे बलिया के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक हैं जो यूपी बिहार के जल मार्ग की सीमा का जायजा ले रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं, बॉर्डर पर खास एहतियात बरतनी चाहिए और बरतती जा रही है। कोई भी व्यक्ति जिले में प्रवेश न कर पाए, जल मार्ग पर भी विशेष नजर रखनी है। पेशे बलिया से नवल जी की खास रिपोर्ट। सीवान का जो बॉर्डर है और नदी से बाईपास गेट होता है, उसी को देखने आए थे हम। और बांसडीह थाने में जो सुल्तानपुर चौकी बनी है, वहाँ से मनियर का जो ये एरिया थाने में वहाँ तक जलमार्ग से भी देखा गया। कहीं इस तरह से जलमार्ग से भी तो आने जाने की कार्रवाई की, ऐसे सीज किया गया है। यही सारी चीज़